तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी, आ गए हूं आपके लिए एक और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, पटियाला हाईवे पे, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड इसके पास से निकलती है। यहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं हाई राइज अपार्टमेंट, 1895 स्क्वेयर फीट में बना हुआ, 211 गज में। दोस्तों एक बहुत बड़ा, बहुत आलीशान आपको अपार्टमेंट दिखाने वाले हैं। प्राइसिंग अभी इसकी लो रहने वाली है, जी हाँ। जहाँ पे आपको एयरपोर्ट रोड पे 1-1.25 करोड़ में दोस्तों अपार्टमेंट मिलता है, ये आपको उससे बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है दोस्तों। प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है, अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा। पर स्क्वेयर फीट दोस्तों सारे साइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, उसको जाके आप ज़रूर एक बार चेक कर रहे हैं। और आप इसको अगर विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। अगर आप भी दोस्तों ऐसे घर का सपना सच करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से हमें विजिट करें, कॉल करें। तो चलिए करते हैं इस घर का टूर। तो आइए दोस्तों, स्वागत है फिर से आए हमारे एक और वीडियो में। आज का ही हमारा जो सैंपल फ्लैट होने वाला दोस्तों, हाई राइज अपार्टमेंट 1895 स्क्वेयर फीट में बना हुआ। सबसे पहले आप देखिए इसका एंट्रेंस डोर, बहुत हैवी आपको ये एंट्रेंस डोर मिलने वाला है स्मार्ट लॉक के साथ। स्मार्ट लॉक दोस्तों पता है आजकल ट्रेंड में है, तो अंदर आओगे तो आपको एक अंदर अलग ही फील आने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, डाउन सीलिंग जो आप देख रहे हैं, फॉल सीलिंग आपको बिल्कुल एज इट इज़ मिलने वाली है। अंदर आते दोस्तों हमारा ये आ जाएगा ड्राइंग एरिया। पूरे घर में डबल चार विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। अगर मैं ड्राइंग एरिया की दोस्तों साइज की बात करूं, 20x16 इसका साइज रहने वाला है। और दोस्तों इसमें मूवेबल आइटम इंक्लूड नहीं रहने वाली, जो आप वॉल्स देख रहे हैं ये प्लेन रहने वाली हैं, बाकी आपको सब कुछ एज इट इज़ मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए आप हमारे ड्राइंग एरिया के व्यू, और इसके साथ दोस्तों आपको रनिंग बालकनी मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए यही रनिंग बालकनी हमारी किचन के साथ भी अटैच है, हमारे ड्राइंग एरिया के साथ अटैच है, और हमारी दोस्तों बेडरूम के साथ भी अटैच है। तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा बालकनी का भी। तो उससे पहले देखिए व्यू हमारा ये डाइनिंग एरिया का। तो इन टोटलिटी 20x16 दोस्तों इसका साइज रहने वाला है। और बात करूँ हमारी किचन की, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी मॉड्यूलर किचन। और ये मॉड्यूलर किचन की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 11x8 का। तो ये देखिए थ्री साइड आपको ये किचन मिलती है। किचन में दोस्तों आपको चिमनी और होब इंक्लूड रहने वाला है। और बात करूँ ये देखिए पूरी डबल लेमिनेटेड सॉफ्ट क्लोज़र आपको ये किचन मिल जाती है। ये देखिए ये हमारा आ जाएगा डबल सिंक, सारी फिटिंग आपको मिलने वाली है जैकोर ब्रांड की। यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों वही रनिंग बालकनी जाती है, इसका व्यू आपको दिखाऊंगा बेडरूम से। और यहाँ पे देखोगे आप ये हाइड्रोलिक के साथ, ऊपर भी आपको ये हाइड्रोलिक के साथ मिलती है। ये देखिए यहाँ पे आपके दोस्तों जो बर्तन आप साफ करते हैं उनको एडजस्ट करने की स्पेस आ जाती है। और पूरी यू शेप में आपको किचन मिलती है। यहाँ पे आपके आरओ की प्रिजनिंग आ जाती है, गीज़र की आ जाती है, यहाँ पे आपको ग्लास के साथ मिल जाता है, और ये भी आपको देखिए सॉफ्ट क्लोज़र के साथ। ये आपको एक 200 स्पेस मिलती है आपके अप्लाइंसेस के लिए। ये इंक्लूड नहीं रहने वाले, आपका ओटीजी वगैरह कोई भी इंक्लूड नहीं रहने वाला। ये नीचे एक हमने डिश वॉशर दोस्तों लगाया हुआ है, आप भी अपना डिश वॉशर ऐसे लगा सकते हैं। तो ये मॉड्यूलर किचन विदाउट दोस्तों आपके अप्लाइंसेस, चिमनी और आपका होब इंक्लूड रहने वाला है। तो चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में। ये आ गया हमारा पहला बेडरूम, डबल चार विट्रीफाइड टाइल बहुत प्यारी लग रही हैं। और देखिए हमारे सबसे पहले दोस्तों सीलिंग के व्यू, फॉल सीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। इसका जो साइज रहने वाला है 17x11 का रहने वाला है। और ये देखिए टीवी पैनल, बहुत बड़े साइज़ का टीवी पैनल, टीवी आ चुका है, इंस्टॉल भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे वार्डरोब, बहुत बड़े साइज़ के आपको ये वार्डरोब मिल जाते हैं, डबल लैमिनेटेड। और इसी के साथ आपको अटैच मिल जाएगा वॉशरूम। ये आ गया हमारा अटैच वॉशरूम। और इस वॉशरूम के मैं साइज़ की बात करूँ, 7x5 इसका साइज़ रहने वाला है। आपकी वॉल एंड सीट आ जाएगी, सारी फिटिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है जैकवर ब्रांड का ही। रूफ आइट्स टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा
आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगी, एग्जॉस्ट की प्रोविजनिंग के साथ ही मिलने वाली है। और वही रनिंग बालकनी दोस्तों हमारी स्टार्ट हो जाती है इसी बेडरूम से। तो आइए आपको व्यू दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये दोस्तों 51x6 की ये बालकनी रहने वाली है। 51 इसकी लेंथ और 6 फीट आपकी वाइड रहने वाली है। सारी प्रोविजनिंग आपको इसी में, टैप की प्रोविजनिंग मिल जाती है आपकी बालकनी की में दोस्तों। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा आ गया ड्राइंग एरिया, ये हमारी आ गई किचन, ये देखिए टैप की प्रोविजनिंग आ जाती है, और यहीं पे हमारा आ जाएगा मास्टर बेडरूम भी। तो आपको बेडरूम से भी मैं दिखाता रहूँगा। चलिए चलते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। और इसकी दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन इसकी रहने वाली है बैंग ऑन पटियाला हाईवे, एयरपोर्ट रोड बिल्कुल यहीं से पास से गुजरती है। आप एक बार अगर कैमरा मैन आपको जूम करके दिखा दें, ये जो सामने दोस्तों आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारी एयरपोर्ट रोड ही रहने वाली है। तो आइए चलते हैं हमारे घर के अंदर। तो ये आपने व्यू देखा हमारे पहले बेडरूम का, और ये आ गया हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। और यहीं से चलते हुए दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम। और ये देखिए कॉमन वॉशरूम के साइज़ की बात करूँ, 7x5 इसका साइज़ रहने वाला है। अगेन आपकी वॉल लेंथ सीट आ जाएगी, विंडो आपकी आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए, आपकी सारी प्रोविजनिंग सब कुछ आपको जैकवार ब्रांड का ही रहने वाला है। और यही वॉशरूम हमारा कनेक्टेड है हमारे सेकेंड बेडरूम के साथ। और ये आ गया हमारा सेकेंड बेडरूम, इसका जो साइज रहने वाला है 12.6x11 का। और ये देखिए फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। ये आपको दोस्तों आपको बहुत आपको अगर आपको भी फैंसी आइटम रखना चाहते हो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा टीवी पैनल, और बिल्कुल यहाँ पे हमारे आ जाएंगे वार्डरोब। डबल लैमिनेटेड आपको वार्डरोब मिल जाते हैं, और वही दोस्तों रनिंग बालकनी का आपको एक्सेस यहाँ से भी मिल जाता है UPVC के साथ। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था 51x6 उसका साइज रहने वाला है, 51 फीट की लेंथ है और 6 फीट वो वाइड रहने वाली है। वही बालकनी हमारे थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम, जिसको हम बोलते हैं अपना मास्टर बेडरूम। 15x11 इसका साइज रहने वाला है। एंट्रेंस भी हमारे आ जाएंगे वार्डरोब। तो ये देखिए डबल लैमिनेटेड सॉफ्ट क्लोजर के साथ, ये भी आपको एक स्टोरेज मिल जाती है। अगेन यहाँ पे भी आपको देखिए बहुत बड़े साइज की स्टोरेज मिल जाएगी। और अब देखिए आप बेडरूम का व्यू, डाउन सीलिंग देखिए बिल्कुल आपको एज इट इज मिल जाएगी LED लाइट्स के साथ। और इस रूम से हमारी वही कनेक्टेड बालकनी आ जाएगी अगेन UPVC के साथ, ये देखिए। और इतनी बड़ी दोस्तों बालकनी, आप अपनी इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक यहीं कर सकते हैं, आपको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत अच्छा, बहुत बड़े साइज़ का, 1895 स्क्वायर फीट दोस्तों ऑलमोस्ट 211 गज बन जाते हैं। बहुत बड़े साइज़ का आपको ये 3BHK अपार्टमेंट बिल्कुल एयरपोर्ट रोड से पास पटियाला हाईवे पर पड़ता है। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। और इस वॉशरूम की भी अगर मैं साइज़ की बात करूँ, अगेन इसका जो साइज़ रहने वाला है 7x6 का। अब देखिए रूफ हाइट्स तक टायर्स लगी हुई हैं, आपकी वॉल लाइन सीट आ जाएगी, आपकी वैनिटी जैकवार ब्रांड की, यहाँ पे विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन क्यों है दोस्तों, 3BHK हाई राइज अपार्टमेंट मिलने वाले हैं। आप इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी प्राइजिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी, इसकी सारी प्राइजिंग साइजिंग लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। इसको विजिट करना चाहते हैं हमें कॉल करें, हमारी टीम से कनेक्ट करें, हमारा व्हाट्सएप पेज, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको इसकी शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।